हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है। कैसे हो आप लोग? टुडे वी गोना टॉक अबाउट कि व्हाई यू शुडन बी स्टार्टिंग बिजनेस विद योर फ्रेंड्स। अभी इसके पहले के जो वीडियो में मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स बोले थे कि व्हाई यू शुड बी स्टार्टिंग योर बिजनेस विद फ्रेंड्स, वो एक वीडियो हो गया। लेकिन ये वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली ऐसे बात करेंगे कि देर माइट बी सम पॉइंटर्स या देर माइट बी सम रेड फ्लैग्स बिकॉज ऑफ विच यू शुड नेवर बी स्टार्टिंग बिजनेस विद दोज काइंड ऑफ पीपल और योर फ्रेंड्स और योर सिबलिंग्स। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये चीज़ें अगर आपको पता है, अगर ये रेड फ्लैग्स अगर आपको पता है पहले ही, तो आप बहुत सारी चीज़ें ना अवॉइड कर सकते हो जो फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपको मेरे छोटे से वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इज कॉल्ड ग्रीड। मैंने जितने भी लोगों को सिखाया है विद रेंटल बिजनेस के बारे में, मैंने एक नोटिस किया कि जब भी कोई एक या दो पार्टनर, अगर आप तीन लोगों का ग्रुप है, एक पर्सन में अगर बहुत ज़्यादा ग्रीडी है ना चीज़ों को लेके इन अ नेगेटिव वे, नाउ कभी कभी एम्बिशन और ग्रीड कैन बी कन्फ्यूज्ड। लेकिन अगर वही चीज़ नेगेटिव हो जाती है देन वो कभी कभी जो आपके पार्टनर्स होते हैं दे स्टार्ट मेकिंग यू ग्रीडी ऑल्सो। दो चीज़ें हो सकती है, आइदर यू बिकम वेरी ग्रीडी लाइक हिम, एंड ग्रीडी अगर पॉजिटिव सेंस में है तो वो एम्बिशन में हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव सेंस में है तो इट कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। एंड अगर वो ग्रीडी है देन ही कैन डेफिनेटली कॉज हार्म। सेकेंड पॉइंट इज ही कैन डेफिनेटली कॉज हार्म टू योर बिजनेस विच शुडन्ट बी हैपनिंग। सो अगर आपका पार्टनर थोड़ा ग्रीडी है देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और इट्स अ रेड फ्लैग टू नॉट टू स्टार्ट द बिजनेस विद हिम और हर। सेकेंड पॉइंट इज इनकंसिस्टेंट कि अगर आप एक बिजनेस में जा रहे हो देन डेफिनेटली एक यू वॉन्ट टू बी विद पीपल जो आपके साथ भाग सके, आपके साथ यू नो डे नाइट स्वेट ब्लड टीयर्स बोन्स एवरीथिंग दे कैन गिव, आपको ऐसे लोग चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो चालू बहुत ही जोर जार से कर बहुत धूम धड़ाके में चालू करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दे फिजल आउट एंड दे स्टार्ट बिकमिंग इनकंसिस्टेंट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनके काम में इनकंसिस्टेंस है, उनके प्रेजेंस इनकंसिस्टेंट है, द वे दे आर टॉकिंग, थॉट्स कीप चेंजिंग। एंड इफ अ पर्सन हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग इनकंसिस्टेंट देन यू शुड बी अवॉइडिंग नॉट टू वर्क एंड पहले ही आपको आई वुड से क्विट करना चाहिए। द थर्ड तीसरा पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल। अगर आपका या आपके जो फ्रेंड है उनमें कोई कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल ही नहीं है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। आप शायद नॉर्थ पोल में सोच रहे हो और आपका पार्टनर जो है वो साउथ पोल में सोच रहा है, कभी कभी ऐसी भी चीज़ें बहुत काम में आती है। लेकिन अगर इफ़ यू डोंट वर्क लाइक अ टीम, अगर कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, देन आई वुड से कि इट इज़ नो यूज़। इनिशियली वो एनर्जी रहती कि यार कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन कुछ भी चीज़ आई ऑलवेज से कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले ना कुछ छोटा सा चालू करके देखिए, ट्राई टू स्टार्ट समथिंग वेरी स्मॉल एंड सी कि आपका वर्किंग कैसा होता है। एंड दूसरी बात, अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल नहीं है आपके पार्टनर आपके बीच में देन डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एक अच्छी खासी टीम पे। एंड दूसरी बात है कि अगर स्किल्स कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं है, थॉट्स कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं है तो बहुत टाइम वो क्लैश होना चालू हो जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज मी पर्सन। अभी ये जितने भी मैं पॉइंट्स कह रहा हूँ दैट इज़ स्टिल चेंजेबल। आप कहीं ना कहीं सोच सकते हो कि नहीं यार इट इज़ ओके, आई यू नो वी कैन यू नो गेट ओवर इट, या ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यू नो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स पे अगर हम लोग काम करते हैं तो भी आगे बढ़ सकते हैं, गुड। लेकिन जो पर्सन मी पर्सन है होता है ना कि मैंने किया है, ये टीम मैंने बिठाई है, काम मैंने किया है, जो कुछ भी क्रेडिट जो होती है ना, अभी एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई क्रेडिट स्नैचर बोलते हो उसको मेरे हिसाब से, कि अगर सब लोगों ने काम किया है लेकिन क्रेडिट गोज टू वन पर्सन एंड एवरी सिंगल टाइम दैट वन पर्सन हैज़ टू बी दैट योर पार्टनर, कहीं ना कहीं इट इज़ डीमोरलाइजिंग फॉर योर सेल्फ, डीमोरलाइजिंग फॉर योर टीम एंड इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर द कंपनी। मी पर्सन बहुत ही आई वुड से कि इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग्स। मतलब आई वुड से कि अगर पांच पॉइंटर में चार पॉइंट भी वर्केबल है लेकिन ये एक पॉइंट ना आई वुड से कि डील ब्रेकर है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो मी पर्सन है या जो दिस आर सम पीपल आई पर्सनली ऑल्सो वुडन्ट वॉन्ट टू वर्क विथ। फिफ्थ पॉइंट जो कि आई वुड से कि बहुत ही इंटीग्रल है कि आप दोनों के बीच में रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के ओपिनियंस को, आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स को, एक्शंस को वैल्यू नहीं करते और डिसरिस्पेक्ट होता है।
हमेशा अगर कोई झगड़ा भी हो गया, यू आर नॉट फाइटिंग ऑन द मैटर, यू आर फाइटिंग ऑन एवरी अदर स्टफ. एंड अगर कोई चीज़ में रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो इवन इफ दैट पर्सन इज टेलिंग यू समथिंग एक्सट्रीमली करेक्ट, आप वो चीज़ को नहीं सुनोगे, आप वो चीज़ को सुनोगे ही नहीं, बिकॉज यू डोंट रिस्पेक्ट दैट पर्सन. एंड कहीं ना कहीं अगर हम लोग किसी आदमी के साथ या पार्टनर के साथ रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकते, रिस्पेक्टफुली सोच भी नहीं सकते, तो बिजनेस करके क्या फ़ायदा. तो मेरे हिसाब से ये 4-5 पॉइंट्स हैं बिकॉज ऑफ विच अगर आप ये ध्यान में रखोगे, तो कल जाके जब आप एक कंपनी फॉर्म करते हो, आई मीन गोना स्टार्ट ग्रोइंग, यू विल बी वेरी केयरफुल आई वुड से. और अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको लगते हैं रेड फ्लैग्स है, आप प्लीज़ ध्यान से सोचिएगा कि डू यू रियली वॉन्ट टू वर्क विद दैट पर्सन और नॉट. अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ. बाय.